खबर देहरादून से है, जहां संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी नमामि बंसल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने कहा कि रोजाना मीडिया से संवाद किया जाएगा। आचार संहिता लागू होने के बाद विभिन्न जिलों में कार्रवाई हो रही है। उन्होंने बताया कि 16 और 17 तारीख में 40,000 जगह से पोस्टर बैनर हटाए गए हैं। आचार संहिता से पहले 7 करोड़ का कैश भी बरामद किया गया है, जिस पर ECI की ओर से कार्रवाई की गई है। बचता रहे कि अग्रिम कार्रवाई राज्य स्तर से की जाएगी। देहरादून से ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। उसी क्रम में आज की जो प्रेस वार्ता है वो आयोजित की गई है। तो पहली बात तो जो बतानी है वो यही कि आदर्श आचार संहिता के लागू होने के बाद प्रदेश में इसके अनुपालन के लिए विभिन्न जनपदों में अलग अलग टीमों के द्वारा कार्रवाई की जा रही है और इसकी 24 घंटे की और 48 घंटे की रिपोर्ट अवेटेड है। 24 घंटे की रिपोर्ट हमारे पास ऑलरेडी आ गई है और सभी जगह जैसे जो डिफेसमेंट है उसको हटाने की कार्रवाई और एक्साइज और कैश सीजर को लेकर के कार्रवाई, ये सभी गतिमान हैं। 17 मार्च और 16 मार्च में हम लोगों ने लगभग 40,000 एस्टैब्लिशमेंट्स में से डिफेसमेंट रिमूवल की कार्रवाई की है और इसमें प्राइवेट और सरकारी दोनों तरह के एस्टैब्लिशमेंट्स शामिल हैं।